जी आप सभी का एजुकेशन नॉलेज टीवी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हरियाणा बीजेपी को झटका, 24 घंटे में गिरेगी हरियाणा सरकार। जेजेपी का बड़ा बयान, पूरी इन्फॉर्मेशन को देखिएगा, सही साथ शेयर कीजिएगा, पूरी खबर से पहले देखिएगा एजुकेशनल ऐप के बारे में जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। डाउटनेट बच्चों, आप किसी सवाल में अटक गए हो, कोई क्वेश्चन हो नहीं रहा हो, बस आपको उस सवाल का फोटो लेना है, करो करना है, सबमिट करना है, 3 सेकंड में आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, एमपी, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी जेईई नीट का हो या 6ठी से 12वीं का कोई सवाल हो, इन सबका सोल्यूशन आपको डाउटनेट ऐप पर मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, इन सबका भी आपको डाउटनेट ऐप पर सोल्यूशन मिलेगा। क्लास 9वीं से 12वीं की लाइव क्लासेस चल रही है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यानी कि पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी इसे पढ़ाई कर रहे हैं, डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक। अगले 24 घंटे में गिर सकती है खट्टर सरकार। हरियाणा में राजनीतिक तूफान के संकेत। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि उम्मीद है कि अगले 24 से 48 घंटों में 40 घंटों में केंद्र और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बातचीत होगी। उन्होंने कहा है कि केंद्र गतिरोध खत्म करने के लिए सकारात्मक है। दुष्यंत चौटाला ने दिए धमकी, मैं इस्तीफा दे दूंगा। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारी पहले ही साफ कर दिया था कि किसानों को एमएसपी मिलना ही चाहिए। केंद्र सरकार ने कल जो लिखित प्रस्ताव दिए उनमें से एमएसपी शामिल नहीं है। मैं जब तक डिप्टी सीएम हूं, जब तक किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए काम करूंगा। अगर नहीं दिला पाया तो इस्तीफा दे दूंगा। दुष्यंत चौटाला जेजेपी नेता ने बड़ा बयान दिया है। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा में बड़ी राजनीति हलचल है। किसान आंदोलन को लेकर राजनीति में राजनीतिक उलटफेर की स्थिति बनी हुई है नजर आ रही है। बीजेपी की सहयोगी दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी जेजेपी के कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा में सरकार से अलग होने की मांग को तेज करने लगे हैं। तो बड़ी अपडेट आ सकती है, अगले 24 घंटों में इस्तीफा दे सकते हैं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला। शिक्षा शेयर कीजिएगा, धन्यवाद।